We were just at the threshold of the service. He was learning the nuances of policing. He is was deputed to a hospital for checkup of a police person. And while he was coming back from the hospital, he was immediately evacuated to the hospital. Unfortunately, he succumbed to his injuries. It's a very tragic loss for us, tragic loss for the family. And we express our condolences. The perpetrators of crime involved in this case have been identified and they'll be brought to justice. Sir, किस प्रोविजन से थे जी? डीजी साहब, डीजी साहब इज अ बिग कंसर्न वेदर इज द सिविलियंस, पॉलिटिकल वर्कर्स और पुलिस ऑफिसर्स, बिकॉज शूट आउट इंसिडेंट्स हैज बीन एवरी लाइफ लॉस्ट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, वेदर इट्स अ सिविलियन और अ पुलिस और एसएफ पर्सनल. वी हैव ऑलरेडी दोज वर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ क्राइम, killing of civilians and killing of other people, they've been brought to justice. And as I said, in this particular case also, our investigating agency, our operational teams are working on this case, and I think soon we will be able to take care of this case also. Sir, श्रीनगर में तीन दिनों में दूसरा अटैक है, सर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है इसके लिए कि ऐसे अटैक्स जो है उनको रोका जाए या कोई और मॉड्यूल जो है एक्टिवेट फिर से हुआ? देखिए, श्रीनगर में दर्जन के करीब ऐसे मॉड्यूल्स जो पिस्टल शूटिंग में जब किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे उनका सफाया हो चुका है. जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है, नई टीम उनकी जगह लेने की कोशिश करती है, नई टीम की भी पहचान लगभग हो गई है और जैसा मैंने कहा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी की जाएगी. सर, क्या सर आपने कहा कि आइडेंटिफाई हुए हैं, किस ग्रुप से है ये सर? अभी इसके बारे में कहना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी इस वक्त कार्रवाई जारी है, तफ्तीश चल रही है, बाद में बताएंगे. थैंक यू सर.